हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं गाइस। तो जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उन्हीं एनर्जीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम यहां पर जानेंगे गाइस विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 of Cups, द टावर, 6 of Swords, द हर्मिट, 3 of Wands एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन इफ दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द फार दे आर रियली वेरी हैप्पी। अगर ये फोर फ्रंट पर अगर आपके साथ एक कम्युनिकेशन में नहीं है या फिर अगर ये बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, अगर आपसे ये दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इनकी एक नज़र आप पर बनी हुई है, दे आर वॉचिंग यू, ये देख रहे हैं। आइदर ये आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं या फिर आपको एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं ये, और इस बात से ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो शायद आप कुछ पोस्ट्स ऐसे पोस्ट कर रहे होंगे या फिर कुछ हिंट्स या जेस्चर्स इनको इस तरह से दे रहे होंगे जहाँ पर आप ये शो कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ पर किस तरह से पॉजिटिवली बने हुए हो। आप इनकी तरफ कुछ मैसेजेस इस तरह से सेंड कर रहे होंगे कि आप इन्हें बता रहे हो कि व्हाट यू गाइस आर अप टू। मतलब अगर आपके कुछ प्लानिंग्स हैं इनको लेकर या इन जनरल आपकी लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग्स हैं, अगर आप इनसे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और अगर ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं भी दे रहे हैं तो दे आर हैप्पी फॉर यू। या फिर अगर ये क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं आपसे कि वो दे आर फीलिंग, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उनकी थॉट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, दे आर हैप्पी फॉर यू। बट ये आपको लेकर बहुत सारे थॉट प्रोसेस में बने हुए हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट, एक कॉन्टम्पलेशन में कह सकती हूँ। मे बी दे हैव टेकन सम टाइम ऑफ टू लाइक थिंक ओवर फ्यू टॉपिक्स जहाँ पर आपके और इनके फ्यूचर का सवाल होगा, आपके और इनके जर्नी का सवाल होगा। अगर मतलब आप दोनों ने एक दूसरे में अपना वो एक लाइफ पार्टनर देख लिया है गाइस, तो हो सकता है ये उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। बट ये एक आपके साथ कंप्लीशन में ज़रूर आना चाहेंगे। हमने एक जो एनर्जी रीड की थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, मैंने वहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू और टू कम्युनिकेट विथ यू, जहाँ पर ये अपने बारे में आइदर आपसे डिस्कस कर सकें, एक शुरुआत कर सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इज दैट एनर्जी एज वेल, जहाँ पर ये आपके साथ एक शुरुआत में आना चाहते हैं, कुछ तो इनिशिएटिव ये लेना चाहते हैं। मे बी दे आर प्लानिंग फॉर दैट, इसलिए ये द हर्मिट एंड द टावर वाली एनर्जीज में दे आर इन द सेपरेशन। अभी ये आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे होंगे, इनका जो फोकस है वो अपने इनर सेल्फ के ऊपर ज़्यादा होगा। ये एक इंसाइट रख रहे हैं, आंसर्स तलाश कर रहे हैं फ्रॉम द विदन, और ये खुद को ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे अबाउट यू कि ये आपको लेकर कहाँ बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन देख ली है, एक मंजिल इन्होंने ऑलरेडी देख ली है और वहाँ पर बढ़ने के लिए इन्हें कुछ शुरुआत करना पड़ेगा, आइदर अपनी लाइफ के फ्रंट पर या फिर आपके लिए ये कुछ शुरुआत में आना चाहते हैं, एक कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं गाइस। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। अब हम देखते हैं कि ऑन द हार्ट स्पेस ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर 9 of Pentacles, द डेविल, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सेल करता हुआ देख, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक तरह के पैशन में बने हुए हैं आपको लेकर कि यू आर द वन, यू आर दैट पर्सन जो मतलब इनके लिए हुआ, जैसे कि यू आर द ट्रॉफी फॉर दिस पर्सन। आप किसी भी मामले में कम नहीं हो, यू आर देयर ट्रू मैच, अ परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन।
तो इस तरह से आपके पर्सन एक तरह की एनर्जी सेंस कर रहे हैं, दे आर रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको ये जहाँ पर भी देख रहे हैं, जो भी अगर आपने जेस्चर्स इन्हें दिए हैं या कम्युनिकेशन लिटरल लेवल्स पर रखा है, तो जब भी कभी ये आपकी एनर्जी सेंस कर रहे हैं तो ये मोटिवेट हो रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि ये कुछ करें यहाँ पर। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि द डेविल टॉक्स अबाउट नॉट इन अ नेगेटिव वे, यहाँ पर द डेविल एनर्जी एक पॉजिटिव फ्रेम को दर्शाती है कि एक जो कहते हैं ना होल्डिंग ऑन टू यू, आप पर ये एक होल्ड ऑन बनाना चाहते हैं कि मैं इस पर्सन को लेट गो होने नहीं दूंगा, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में बना कर रखना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी को मैं नहीं खोना चाहता। तो आपके पर्सन ने ये देख लिया है कि आप ही वो पर्सन हो जिनमें ये अपना एक राइट मैच, एक ट्रू मैच देखते हैं जो इनके लिए परफेक्ट है। तो ऐसे पर्सन को ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेंगे। अगर मामला यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का है, और साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कहती हैं कि योर पर्सन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा ये अपने इंट्यूशंस के हिसाब से ही काम लेते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा इनका फोकस नहीं होता। जबकि एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर यही आपके ट्विन फ्लेम्स होते, अगर इस जगह पर मैं आपके ट्विन फ्लेम्स के बारे में चर्चा करूँ, तो आपके ट्विन फ्लेम्स इस समय प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में ये है कि सोलमेट्स हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। और जैसे कि आप भी जितनी भी यहाँ पर मेरे व्यूवर्स एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ऑलरेडी चैनल हो चुके हैं या फिर अवेकन हो चुके हैं, तो आपको बेटर पता है कि आप अपनी इंट्यूशन और अपनी गट फीलिंग की तरफ ही बढ़ते हो, आप प्रैक्टिकलिटी को नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि थ्री फ्रंट पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं, ये आपके लिए भी मैटर नहीं करता। तो जस्ट लाइक दैट मैंने आपको एक चीज़ आज बताई थी, मेरे मतलब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सोलमेट्स आप ही की तरह रहेंगे, मतलब दे आर जस्ट इक्विवेलेंट टू योर एनर्जी, मतलब आपका जो एनर्जेटिक लेवल है, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो वहाँ पर आपसे मैच करते हैं। तो जब ये आपके लिए एक फीलिंग ऑफ इंट्यूशन रख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कुछ तो आपके साथ कॉस्मिक लेवल पर ऑलरेडी इनके लिए डेस्टाइन है, तो ये ज़रूर आपके लिए एक अट्रैक्शन में ही होंगे। ये अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि मुझे मेरा सिमिलर मैच मिल रहा है, मुझे मेरे मेरी तरह कोई मिल रहा है, मेरे जैसा पर्सन कोई मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने दिल की सुनो। तो इनका दिल यही कहता है कि आप ही वो पर्सन हो, आप ही की तरफ इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी ये देखते हैं आपकी प्रेजेंस जो भी है इनकी लाइफ में, अगर आप इनके फ्रेंड हो तब भी, अगर आप इनके कलीग हो तब भी, या फिर जिस तरह का भी रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते हो, बहुत सारे लोग इवन स्ट्रेंजर्स भी होंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको बढ़ना अपने सोलमेट्स की तरफ अगर है, तो यस आप ज़रूर एक एनर्जेटिक सपोर्ट के साथ, मतलब अपने ट्विन फ्लेम से जो भी आपने सीखा है, लर्निंग्स ली हैं, मतलब आपने कुछ तो सीखा होगा अपने ट्विन फ्लेम से, इन्होंने आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा दी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी शायद इन्होंने आपको सिखा दिया, और कैसे एक तरह के रेजिस्टेंस में बने रहना है। ये ट्विन फ्लेम्स हमें ये सिखाते हैं कि कैसे सिचुएशनल वेज में खुद को रेजिस्टेंस में लाना है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं तो आपके आपके ट्विन फ्लेम ने आपको इतना तो सिखा दिया होगा कि प्रैक्टिकल लेवल्स पर कैसे बिहेव करते हैं, इमोशनल लेवल्स पर कंट्रोल करना सिखा दिया। तो जिस तरह से आपके ट्विन फ्लेम ने आपको रेडी करके भेजा है, तो उसी तरह से आपके सोलमेट को भी किसी ने रेडी करके ही भेजा है, उनके भी ट्विन फ्लेम रहे होंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है गाइस। फाइन, तो उसी तरह से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो जो जर्नी आपने देखा है, जो जो जिन चीज़ों से आप गुजरे हो, आपके सोलमेट भी हो ना हो, इसी लाइफ टाइम में उन सारे पैटर्न्स को देख चुके हैं, ये भी एक कार्मिक पैटर्न देख चुके हैं, ये भी एक ट्विन फ्लेम पैटर्न देख चुके हैं, तब जाकर ये सोलमेट बने आपके।
तो इनका भी जो एनर्जी लेवल है, एनर्जेटिक जो स्पिरिचुअल लेवल है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, तो आपका और इनका स्पिरिचुअल लेवल सिमिलर होगा। आप दोनों एक दूसरे से मैच करते होंगे बहुत सारे लेवल्स पर। अगर आपको भी यही लगता है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब मैं जिस तरह से सोच रही हूँ इस पर्सन की भी थिंकिंग उसी तरीके से है, तो यस, यू हैव रीच्ड टू योर सोलमेट। आप अपने सोलमेट तक पहुंच चुके हो और इन इनकी एनर्जी में जब आप आ जाते हो, इनके ऑरा में एक बार जब एंटर कर लेते हो आप, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। आप ना तो ग्रजेस होल्ड करते हो किसी के लिए, ना ही आप किसी के लिए पछताते हो, ना ही कुछ रिग्रेट्स रहते हैं, ना ही किसी तरह की कोई भी आपकी सेल्फ ब्लेमिंग होती है। आप पूरी तरीके से हील हो जाते हो इस पर्सन की ऑरा की वजह से। आप लोगों का एक हीलिंग में आना तय है, मतलब आप अपने हर पैटर्न से हील हो सकते हो। इवन आप ट्विन फ्लेम्स को भी भूल जाते हो जब आप सोलमेट्स की एनर्जी में चैनल करने लगते हो। गाइस, वो एक ऐसी सूदिंग एनर्जी है, मतलब दे आर द किंग ऑफ कप्स फॉर यू। और डिवाइन फेमिनिन का एक आर्किटाइप है क्वीन ऑफ कप्स। जब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चैनल हो जाते हो, ये हायर लेवल सोलमेट्स हैं आपके, मतलब इन्होंने भी इतना ही जर्नी देखा होता है, तब ये इस तरह की एनर्जी में एंटर करते हैं। ये भी उस तरह से इमोशनल होते हैं, इंट्यूशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। सब कुछ जो भी एनर्जी आप में है, वो सारी एनर्जी ये भी रखते हैं गाइस, इक्विवेलेंट होते हैं आपके। अगर आप स्टैब्लिश्ड हो अपनी लाइफ में, तो ये भी वेल स्टैब्लिश्ड रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन हो, तो ये भी इनके अंदर भी ट्रिमेंडस वेज में विजडम होता है। आपके अंदर जो जो भी है, मान लो इनके अंदर डबल होता है, फाइन, तब आप समझ लोगे कि यही मेरे सोलमेट हैं और मेरे हायर लेवल सोलमेट हैं, और इन्हीं को मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन अगर कोई है सोल जर्नी में, तो वो है आपके सोलमेट, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है गाइस। मतलब वो एक हेवन वाली ज़िंदगी है। तो अगर ऐसे किसी पर्सन को आपने ऑलरेडी देख लिया है अपनी ज़िंदगी में, तो यस, दैट इज़ द पर्सन ऑफ योर लाइफ, लव ऑफ योर लाइफ, एंड कहते हैं ना पर्सन ऑफ योर लाइफ, एक अल्टीमेट पर्सन है जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हो। इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन और वेरी पायस कनेक्शन, तो इस हद तक का पायस कनेक्शन होता है। तो इनकी एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग एंड सूदिंग होगी। एक और तरीका है कि कैसे पता करना है आपको कि ये आपके सोलमेट हैं या नहीं, तो इनसे आपको किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, और एक हीलिंग आप इनके साथ महसूस करते हो हर दम। और इनकी एनर्जी जैसे ही आपके साथ जुड़ जाती है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हील होने लगती हैं। तो ये भी एक तरीका है इनको पहचानने का। तो ऑफ कोर्स ये फीलिंग्स वाइज आपकी तरफ एक तरह की कोई कम्युनिकेशन ज़रूर लेकर आना चाहते हैं। आपको आइदर ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर आपको किसी बात के लिए ऑफर या प्रपोजल देना चाहते हैं, जहाँ पर आप और ये मिलकर कुछ काम कर सकें। अगर आप दोनों म्यूचुअल हॉबीज शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, तब भी, या फिर अगर आप लोग म्यूचुअल टैलेंट्स रखते हो तब भी, अगर सेम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, आपके स्किल्स अगर सेम सिमिलर हैं, तो तब भी ये शायद आपके साथ मिलकर कुछ कोलैबोरेशंस रखना चाहते हैं, वहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप इनसे एक डिस्टेंस में हो, या फिर अगर आप इनकी तरफ खुलकर बात नहीं करते हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने इनसे छुपा कर रखी हैं, या फिर वाइस वर्सा, तो अगर आपने इनसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं गाइस, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उन सीक्रेट्स को रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन से आप कुछ नहीं छुपा सकेंगे। तो ये आपको कहीं छोड़कर जा तो नहीं सकेंगे, ये आप ही के हैं, आप ही के लिए बुलाए गए हैं, और आपने इन तक पहुँचने के लिए बहुत सारा
पैटर्न देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे फेजेस आपने पार किए हैं, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। तो अगर फिर भी आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, तो आप लोगों से कहा जा रहा है, गाइस यू गाइस आर बीइंग टोल्ड हियर दैट कि आपको अपने सीक्रेट्स इनसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है गाइस कि इनसे कुछ बात आपने जो छुपाई हुई है वो छुपानी नहीं चाहिए, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो इनका जानना इनका हक बनता है, इनके सामने वो सारी बातें रिवील होना बहुत ज़रूरी है, तो यस आप इन्हें बता सकते हैं। या फिर अगर इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, तो वो चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील होने वाली हैं कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है और ये आपसे जब रिवील करेंगे तो तब यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग्स शुरू होंगी। ऐसा हो सकता है ना बहुत सारे लोगों के लिए कि ये अपना प्यार छुपा रहे हैं आपसे, कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर कितना चाहते हैं आपको, और आपको छुप छुप कर ये स्पाई करते होंगे। तो यही ऑब्स्टिकल है कि ये आपको बता नहीं रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये आपसे और ज़्यादा मतलब छुप कर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपना पैशन शायद ये छुपा रहे हैं, और यही ऑब्स्टिकल है आपके लिए कि इस पर्सन पर आप ट्रस्ट रखें, इन पर भरोसा रखें कि यहाँ पर आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आप इनके साथ किसी तरह की एक डाउटफुल एनर्जीज में बने हुए हो, आपको पूरा भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या ये वही पर्सन है या नहीं, बट आपका दिल कहता है कि ये वही पर्सन है, बट फोर फ्रंट पर चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप इन पर शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। तो इसे आपने ओवरकम करना है, यू हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड विथ योर थॉट्स एंड योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस पर्सन, और आपको इन पर एक फुल ट्रस्ट रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग्स पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये आपके रिवॉर्ड हैं गाइस, तो ये आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाले। तो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इनर गाइडेंस कि यस ये होगा, और उसी तरह से आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं, द सन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड पेज ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अपने दिल का हाल नहीं कह पा रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक सेलिब्रेशन जोन में एंटर करने वाले हो। आइदर आप लिटरल वेज पर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, एक वो ब्यूटीफुल सा समा जिसको कहते हैं वो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकोगे, एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप यहाँ पर बिगिन होने वाली है। कुछ तो बहुत ही ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड के चलते आप लोगों की लाइफ में शुरू होने वाला है, कि ऐसा लगेगा कि ये तो हम एक ड्रीम जी रहे हैं, यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन या सजेशन देना चाहता है तो वो क्या है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए होम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ साइन गाइस कि ये वही पर्सन है जिनसे आप बिलोंग करते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है ये यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने ऐसा कोई पर्सन फाइंड आउट कर लिया है तो इन पर स्टिक होकर रहिए गाइस। अगर आप इन पर डाउटफुल एनर्जीज में बने हुए हो, अगर आपको इस पर्सन पर भरोसा नहीं है, इस जर्नी पर अगर भरोसा कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी आपको लगने लगता है कि ये हो भी पाएगा या नहीं, यहाँ पर चीज़ें सही ढंग से प्रोसीड हो रही हैं या नहीं, इस तरह की डाउटफुल एनर्जी से खुद को रिलीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन मिल चुका है कि दिस इज़ द पर्सन विथ होम यू गाइज बिलोंग। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यू गाइज आर शेयरिंग द होम विद दिस पर्सन, ये आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आप ही के सोल ट्राइब से बिलोंग करते हैं गाइस। तो आप सही पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो, ये वही पर्सन है जिसको आपने जन्मों जन्मों से मैनिफेस्ट किया है, अब जाकर ये पर्सन शायद आपको मिले होंगे। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस। ऑलराइट, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।